बारिश इतनी हो रही है ना कि आप पूछो ही नहीं यार। 1 घंटा हो गया अभी तक बारिश बंद नहीं हो रही। तूफानी बारिश है, ये देखो हालत चेक करो यार बारिश की। भाई बहुत तेज धुआंधार बारिश है। ये एडवेंचर करके देखते हैं आज कैसा लगता है हमें गाड़ी में सोना, गाड़ी में पूरी नाइट स्पेंड करना। भाई यहाँ पे दोबारा से शदीद बारिश शुरू हो चुकी है। वीडियो बंद करो। रोड है ना, ये बहुत पतला रोड है, बहुत छोटा रोड है और एक गाड़ी गुजरे तो दूसरी गाड़ी बड़ी मुश्किल से गुजरती है। वो कितनी बारिश है, शदीद बारिश है भाई। फुल टाइम एडवेंचर में गुजर रहे हैं। अल्लाह के आसरे पे भाई, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज हमारा जो कराची टू नारायण सीरीज है उसका दूसरा दिन है। रात हो चुकी है इस वक्त और ये थर्ड वीडियो है हमारी कराची टू नारायण सीरीज़ की। और आज हम करने वाले हैं भाई एडवेंचर। आज हम जो है ना इस वक्त मौजूद हैं मानसेरा कयाम ताम पे। मानसेरा का जो सर्विस एरिया है वहाँ पे मौजूद है, ये देख सकते हैं। और आज हमें रात हो चुकी है तो इस वक्त हम जो है ना नहीं चाह रहे कि हम यहाँ से निकलें और जाएँ नारायण की तरफ, क्योंकि रास्ते जो है ना रात के टाइम इतने अच्छे नहीं होते। तो हमने सोचा है कि भाई आज हम एडवेंचर करेंगे, आज हम जो है ना वो अपनी गाड़ी में स्टे करेंगे, स्पेंडिंग होल नाइट इन आवर कार चैलेंज करने वाले हैं। तो अभी आज देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी गाड़ी में रुकते हैं, रात गुजारते हैं। अच्छा, गाड़ी का मैंने बंदोबस्त कर दिया है और मुन्नी को सुला दिया है। गाड़ी को हमने जो है ना तैयार कर लिया है और सीटें वीटें जो है ना लिटा दी हैं मैंने। तो बेगम उस सीट पर सो जाएंगी और मैं सीट पे सो जाऊंगा। और हमारी जो मुन्नी है वो ऑलरेडी सो रही है, पीछे ही सुला दिया है, ऐसे ही चलाया हुआ है। लेकिन हमने प्रिकॉशंस इस्तेमाल किए हुए हैं। देखो ये शेड लगाएं, लेकिन जो गिलास है विंडो शीशा विंडो का वो हमने थोड़े थोड़े खोल दिए, थोड़े थोड़े खोले हुए। अच्छा, ये एरिया सेफ एंड सिक्योर है तो यहाँ पर कोई ऐसी ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर पूरी रात जो है ना वो टूरिस्ट लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो कोई मसला नहीं होता यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, ये भी एक पेट्रोल पंप है। अच्छा, रोड के उस तरफ जो है ना वापस जाने वाली साइड, वहाँ पे भी सर्विस एरिया बना हुआ है, वहाँ से भी सारा कुछ नज़र आता है। तो ये मानसेरा का एरिया है जहाँ पे हम लोग आज रुकने वाले हैं। तो अब देखते हैं गाड़ी में किस तरीके से हम रात गुजारते हैं, रात कैसी गुजरती है हमारी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है इस सीरीज़ की। सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सुबह हम आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से पूरी रात गाड़ी में सोए और सुबह किस टाइम हम उठते हैं और फिर क्या एक्टिविटी रहती है सुबह, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई अभी थोड़ी ही देर के बाद हम कोशिश करेंगे कि सोए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये सीटिंग वीटिंग बनी हुई है, यहाँ पे हम बैठ के गपशप भी लगा सकते हैं। वॉशरूम का कोई इशू नहीं है, इधर पब्लिक टॉयलेट्स हैं लेकिन वो हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, सारी चीज़ें, मस्जिद भी है पीछे। अच्छा, ये जो पेट्रोल पंप है इनके ऊपर मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई एग्जेक्टिव वाशरूम बने हुए होते हैं, पेड वाशरूम्स होते हैं जो कि पैसे लेते हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म के वाशरूम्स होते हैं। तो कोई इशू नहीं, इधर सामने वाशरूम है, अगर वाशरूम यूज़ करना होगा तो यहाँ से यूज़ कर लेंगे। और गाड़ी हमारी तैयार है भाई। अच्छा, ए सी हम पूरी रात नहीं चलाएँगे, तो थोड़ी देर के बाद बंद कर देंगे और थोड़ी विंडोज़ खोल देंगे गाड़ी की, तो फिर हम जो है ना गाड़ी में स्पेंड करेंगे ऑल नाइट। तो ये एडवेंचर करके देखते हैं आज कैसा लगता है हमें गाड़ी में सोना, गाड़ी में पूरी नाइट स्पेंड करना। तो भाई फिर सुबह को हम निकलेंगे नारायण की तरफ। हाँ जी, बेगम बेगम भी से पूछते हैं कि क्या कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम गाड़ी के अंदर रात गुजारना, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अभी रात पड़ी हुई, अभी तो बैठे हैं, अभी सोए भी नहीं है और मुन्नी जो है ना सो भी रही है। अच्छा, ये शेड्स वगैरह हमने लगा दिए, वैसे ही प्राइवेसी ग्लासेस हैं हमारी जो गाड़ी है उसके अंदर शेड्स वगैरह लगाए हुए हमने, और शीशे थोड़े थोड़े मैंने खोल दिए ताकि गैस वैस ना भरे। वैसे भी मैं एसी थोड़ी देर के बाद बंद कर दूँगा, यहाँ का जो मौसम है वो सही है, बिल्कुल गर्मी इतनी नहीं है यहाँ पर, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल मौसम है, गर्मी तो है ही नहीं। तो अभी थोड़ी देर में थोड़ी गाड़ी ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद हम बंद कर देंगे इस गाड़ी को और थोड़ा सा शीशा और खोल देंगे और फिर सोएंगे। फिर फजर के टाइम पे नमाज़ के लिए तो ऐसे ही उठना होता है, उठ के फिर फ्रेश व्रेश होके जो प्रीमियम टॉयलेट्स हैं उनके अंदर जाएंगे, फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद
फिर हम अपना जो सफ़र है, बल्कि नमाज़ पढ़ने के बाद फजर की, और अपना जो एडवेंचर टूर है कराची टू नारान का, उसको कंटिन्यू करेंगे। सुबह नाश्ता वाश्ता यहीं पे करके फिर निकल जाएंगे, या देखेंगे अगर यहाँ पे नहीं भी किया तो कहीं और जाके रास्ते में कर लेंगे, बालाकोट में कर लेंगे या कहीं भी कर लेंगे, दरियाए कुनहार के किनारे कर लेंगे, कहीं भी कर लेंगे। तो फिर अभी हम कोशिश करते हैं सोने की। तो भाई आधी रात हो चुकी है और सोने की कोशिश कर रहे थे, एसी बंद कर दिया था मैंने, एसी बंद करके थोड़े थोड़े शीशे खोल दिए थे, लेकिन ये आवाज़ें सुने आप, ये झींगरों की आवाज़ें जो है ना, ये सोने नहीं दे रही हमको। तो अभी कोशिश करते हैं सोने की, दोबारा से एसी चलाएंगे और फिर सोने की कोशिश करते हैं, और ये झींगर जो है ना, ये हमें बिल्कुल भी चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। मम्मी तो सो गई है और मैं भी सोने की कोशिश कर रहा हूँ, अब झींगर सोने ही नहीं दे रहे, देखते हैं अब क्या करते हैं। तो लाइफ में भाई कभी कभी ऐसे एडवेंचर भी करने चाहिए, बड़ा मज़ा आता है ऐसे एडवेंचर करने में, एक नया एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको देखने को मिल रहा होता है। तो हम भी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि भाई क्या क्या होता है, कैसा लगता है जो है ना वो, इस तरीके से गाड़ी में रात गुजारना, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा। इससे पहले कभी हमने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब कभी हो सकता है इमरजेंसी में आपको इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए, तो हर चीज़ के लिए इंसान को प्रिपेयर रहना चाहिए। तो हम भी प्रिपेयर हो रहे हैं, कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है तो उसका एक्सपीरियंस पहले से ही ले लेते हैं, और सुबह हम आपको बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, नींद आई नहीं आई, सकून से आई नहीं आई, वो सब हम आपके साथ सुबह शेयर करेंगे। अरे भाई साहब, सही का एडवेंचर हो गया यार कसम से। ये देखो, हम सोए हुए थे, एकदम से जो है ना शदीद बारिश जो है ना शुरू हो गई है। थोड़ा बाहर में दिखाता हूँ आपको ना, चेक करो, काफ़ी जो है ना तेज़ बारिश हुई है। ओए ओए ओए, बारिश चेक करो भाई, अच्छी वाली बारिश हुई है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको बाहर बारिश। ओ भाई शदीद बारिश हुई है, ओए ओए पूरी गाड़ी गीली हो गई। भाई अभी हम तो जो है ना यहाँ पे सोए हुए थे गाड़ी में ही, हमें पता ही नहीं था कि ये एडवेंचर हो जाएगा। ये देखो अभी गाड़ी भी गीली हो गई है, थोड़ा सा देना देना कपड़ा। भाई ऐसा होता है, हम मानसेरा सर्विस स्टेशन पे हैं, तो ये हो गया है सीन। सीन ऑन हो गया भाई, थोड़ा सुखा दें। क्या हो गया, उठ गई, सो जाओ दोबारा से। भाई ये सीन है बाहर का, और अच्छी खासी बारिश हो रही है यार, बहुत ही टाइट वाली बारिश हो रही है। गाड़ी में हमारा जो सोने का प्रोग्राम बढ़ गया, अभी टाइम हो रहा है सुबह ये 3:10 हो रहे हैं रात के। ओए शदीद बारिश हो रही है, चलो देखते हैं अभी कितनी देर तक बारिश होती है। अभी तो हम अपने रूम अपनी कार में, रूम में तो नहीं है, कार में है, और जो बारिश का सीन है वो चालू है, और हम जो है अभी इंतज़ार करते हैं कितनी देर तक होती है बारिश। बाहर तो नहीं जा सकता, गीला हो जाऊँगा पूरा, तो अंदर से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बारिश भी यार बड़ी टाइट वाली है, और बड़ी टाइट वाली बारिश में जो है हम लोग फंस चुके हैं। अभी बहुत धुआंधार बारिश जो है ना वो हो चुकी है, बाहर का मैं नज़ारा दिखाऊँ, अभी भी हो रही है, शदीद बारिश पे हम फंस चुके हैं, और अंदर आ रही है यार गाड़ी के अंदर। तो अभी हम शीशा तो बंद करते हैं, देख सकते हैं कितना पानी दे रहा है, काफ़ी बारिश हो रही है। बारिश इतनी हो रही है ना कि आप पूछो ही नहीं यार, 1 हो गया अभी तक बारिश बंद नहीं हो रही, तूफानी बारिश है। ये देखो हालत चेक करो यार बारिश की, अब ये शीशों से नज़र नहीं आ रही,
बाहर बहुत शदीद बारिश है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, फजर की नमाज पढ़ के आ गए हम, एक बार फिर से ये शुरू हो गई तेज़ बारिश। चेक करो यार क्या बारिश है, तूफ़ानी बारिश है, तूफ़ानी तूफ़ानी बारिश में फंस चुके हैं अभी हम। अल्लाह खैर करे, बस जल्दी से रुक जाए बारिश, उजाला हो जाए। भाई बारिश तो हो रही है, अभी थोड़ी सी रुकी है, उजाला भी हो रहा है। अभी ये पेट्रोल भरवा रहे हैं, जैसे ही भर जाता है तो फिर निकलते हैं आगे की तरह। तो बारिश हो रही है अभी भी, और चलते हैं आगे, देखते हैं अल्लाह का नाम लेके क्या बनता है फिर। तो भाई बारिश अभी थोड़ी सी कम हो चुकी है और पेट्रोल वगैरह हमने भरवा लिया है और उजाला भी होने शुरू हो चुका है। तो अभी हम निकल रहे हैं बालाकोट की तरफ, देखते हैं अल्लाह मालिक है, अल्लाह का नाम लेके यहाँ से निकलते हैं और चल के कोई होटल वगैरह ढूंढते हैं बालाकोट में, और फिर आपको दिखाएंगे कि भाई क्या पोजीशन है रास्तों की। अभी यहाँ मानसेरा वाले जो ये रेस्ट एरिया है, यहाँ पर तो काफ़ी बारिश थी, आगे चल के देखते हैं क्या है सिचुएशन। जनाब अभी हम निकल चुके हैं मानसेरा रेस्ट एरिया से और अभी हम जा रहे हैं बालाकोट की तरफ हज़ारा मोटरवे से, और आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे क्या हैं। अभी उजाला भी हल्का हल्का होना शुरू हो चुका है और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आगे बढ़ेंगे, स्लोली स्लोली, ज़्यादा स्पीड करनी नहीं है हमें, स्लो स्लो ही आगे बढ़ेंगे। ये देखो, देखा स्पीड में जा रहा होगा ना बेचारा, स्पीड में जा रहा होगा ना, उसे कंट्रोल हो ही नहीं। अब भाई अगर ओवर स्पीडिंग करते हैं ना तो फिर यही होता है सिस्टम, स्लिप हो जाती है गाड़ी। आप इतनी स्पीड में चलाएं कि आपकी गाड़ी स्लिप ना हो। मानसेरा के बाद जो है ना, मानसेरा इंटरचेंज के बाद बारिश ख़त्म थी, मतलब यहाँ पे लग नहीं रहा कि यहाँ पे हुई है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे बारिश कम थी, यहाँ पे सूखा हुआ है सब कुछ, और आगे टनल भी आ रही है उससे गुजरेंगे। हल्की हल्की हो रही है बारिश यहाँ पे भी। भाई ये मानसेरा टनल है, इससे हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है टनल। तो ये पता नहीं कौन से शहर में आ गए हम। तो भाई साहब ये तो बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे, तेज ना हो जाता भाई। यहाँ पे दोबारा से शदीद बारिश शुरू हो चुकी है और हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, बारिश काफी शदीद हो रही है यहाँ पे, शदीद बारिश है भाई, फुल टाइम एडवेंचर में गुजर रहे हैं। लेकिन हमने स्पीड अपनी नॉर्मल रखी हुई है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में हम गाड़ी चला रहे हैं। अल्लाह के आसरे पे भाई, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा, हमारा सफ़र जो है ना वो खैर खैरियत से गुजरेगा। बालाकोट वाला रास्ता है, यहाँ से बालाकोट जाते हैं, लेकिन जो बारिश है वो शदीद हो रही है अभी भी, बारिश तो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। देखते हैं आगे रुकती है तो फिर आगे निकलेंगे, फिलहाल यहाँ पे हम रुके हैं, होटल वोटल है यहाँ पे, मतलब ये खाने का रेस्टोरेंट, देखते हैं क्या पोजीशन रहती है। भाई ये अभी हम बालाकोट के रास्ते पर आ चुके हैं, बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है तो यहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं, लेकिन ये जो रोड है ना ये बहुत पतला रोड है, बहुत छोटा रोड है, और एक गाड़ी गुजरे तो दूसरी गाड़ी बड़ी मुश्किल से गुजरती है।
अभी कोशिश करते हैं जल्द से जल्द हम बालाकोट सिटी की तरफ पहुंच जाए और ये रोड क्रॉस करके चले जाएं। पानी भी है ना तो पता नहीं चलता है, खड्डे वड्डे तो नहीं है। सामने एक गाड़ी क्या फंसी हुई है, क्या सामने से आ रहा है ना, अरे यहाँ से तो देखना पड़ेगा, खड्डे हैं भाई भाई वो काफी खड्डा है, ये कचरा है। अभी वीडियो बंद करो भाई। भाईजान ये देख सकते हैं आप, बड़ा ख़तरनाक रास्ता है यार इसका बालाकोट का। अच्छा रास्ता बहुत ख़राब है लेकिन मसला इतना नहीं है ख़राब रास्ते का, मसला है ये जो बारिश का पानी है ना इसकी वजह से पता नहीं चल रहा है किधर खड्डा है किधर क्या है, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बाकी तो गाड़ी तो इसमें आप बंदा चला सकता है, आप अपनी छोटी गाड़ी में भी जा सकते हो, लेकिन जो है ना बारिश के पानी की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अभी ये सुजुकी ना जा रही है, इनको मैं फॉलो कर रहा हूँ और ये देखें जी नज़ारे कुदरत के, कुदरत के नज़ारे देखने के लिए आपको जो है ना पुल सराह से गुजरना पड़ता है, पुल सराह से गुजरोगे तब जाके आपको हसीन नज़ारे सकून वाले देखने को मिलते हैं। चलो ये तो फुल 100% एडवेंचर ट्रिप हो गया है हमारा, और हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना एडवेंचर होगा हमारा। फुल टाइम एडवेंचर करते हुए जा रहे हैं भाई, फुल टाइम इधर तो देखो रास्ते तो देखो, ऐसी बंदी है बेटा इधर देखिए आप रास्ते, यार बालाकोट के इतने गंदे रास्ते, ऊपर से बारिश ने और रास्तों को जो है ना खाना खराब कर दिया है। अब देखते हैं आगे शायद रास्ता सही हो, लेकिन यहाँ तो रास्ता जो है ना बहुत ही गड़बड़ है भाई। अभी यहाँ से थोड़ा सा अच्छा रास्ता हमें दिख गया है, इतने ख़तरनाक रास्ते के बाद जो है ना ये एक अच्छा रास्ता हमें थोड़ा सा नज़र आ गया है। अब इस रोड पे चढ़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बारिश दोबारा से शुरू हो रही है, तो जनाब अभी हम बालाकोट की तरफ बढ़ रहे हैं और ये इस रोड से जा रहे हैं हम बालाकोट वाले। और बारिश बार बार हो रही है यार, रुक नहीं रही है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद है ना फिर बारिश शुरू हो जाती है। ये चेक करें भाई बालाकोट के खूबसूरत हसीन नज़ारे, बालाकोट अभी आगे है लेकिन ये नज़ारे आप चेक करें। तो भाई फाइनली हम जो है ना नीचे आ चुके हैं बालाकोट की तरफ, खतरनाक चढ़ाइयों से, यार चढ़ाइयाँ ढलाने इतनी वो ख़तरनाक नहीं थी, जो बारिश की वजह से प्रॉब्लम थी ना वो सिर्फ बारिश की वजह से थी। वैसे तो बंदा आ जा सकता है लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा वो मुश्किल हो रहा था आने जाने में। तो काफ़ी एडवेंचर हो गया है भाई आज की वीडियो में हमारा। तो अभी हम जा रहे हैं होटल ढूँढते हैं और अच्छा कोई होटल देखते हैं बालाकोट में, कोई साफ हो बस अच्छा भी क्या हो, कौन सा हमें इधर सारी ज़िंदगी रहना है, हमें बस वक्त गुजारना है आज का और ये नज़ारे भी देखें बाहर के। तो अभी जा रहे हैं होटल वगैरह ढूंढ के फिर, हाँ खूबसूरती तो भाई ये जो खूबसूरती है ना इस खूबसूरती तक पहुंचने के लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नए ड्राइवर हो आप तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको
मैं अपने तरीके से चला के आया हूँ। जो मैंने भाई गाड़ी जो है ना उतराई पे बड़े तरीके से चलाई है, जैसे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं उनको यूज़ करते हुए। तो बाकी अल्लाह मालिक है यार, सामने बादल जो है ना पहाड़ के ऊपर नीचे आए हुए हैं। बल्कि भाई ये बालाकोट के नज़ारे आप देखें, माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारे। सामने एक व्यू पॉइंट है कुनार रिवर का, ठीक है वहाँ चलते हैं। पाइन हिल्स रेस्टोरेंट भी है सामने, और ये न्यू पाइन हिल्स होटल है, ठीक है जिसमें हम ने स्टे किया है, गाड़ी हमारी खड़ी है। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होटल है। और मैं जो ना इस टाइप के होटल्स को रिकमेंड करता हूँ, हालांकि कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिटेल वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और काफ़ी अच्छा यार, साफ़ सुथरा है, बहुत सफाई का ख्याल रखते हैं ये लोग, और ये गार्डन वार्डन बिल्कुल मेंटेन करके रखा हुआ है हर चीज़। खाना वाना जो भी चाहिए तो आपको मिल जाता है। रेंट मैंने आपको बता दिया था कि इनको हमने 3500 रुपये दिए एक दिन के ना रूम के, रूम भी अच्छा है साफ़ सुथरा है। मम्मी भाई बोल रहे हैं नीचे गाड़ी में से सामान निकाल रहे हैं अपनी मम्मा के साथ। तो होटल अब फाइनली हमें मिल गया था। ये है जी नज़ारे, सामने देखो बादल, देखो बादल नीचे पहाड़, ऊपर है पहाड़ से बिल्कुल नीचे बादल ही बादल है, ऊपर भी बादल नीचे ही बादल, बीच में पहाड़ है, क्या खूबसूरत नज़ारा। अच्छा ये इधर दरिया कुनार गुजर रहा है, इधर जगह बनी है, दरख्त वगैरह लगे हैं, बहुत ही शानदार नज़ारे भाई, बहुत शानदार। बालाकोट में इस वक्त हम मौजूद हैं और होटल भी अच्छा मिल गया है, ये सारे रूम्स वगैरह इस तरह। होटल रूम का टूर भी मैं आपको दे देता हूँ, दिखा देता हूँ रूम कैसा है। अच्छा रूम मिल गया, मुनासिब पैसों में मिल गया। तो अभी ये रूम है हमारा, एक ये डबल बेड है इसमें, उसके अलावा जो है यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड भी है, ठीक है जी, सोफ़ा कम बेड भी इसमें है। और कर्टन वर्टन लगे हुए हैं, फैन लगा हुआ है, एसी की ज़रूरत होती नहीं है यहाँ पे, ठंडक होती है पंखे से ही आप ठंडे हो जाते हो। और वॉशरूम भी अच्छा है, साफ़ सुथरा है। तो भाई चाय मंगवाई थी हमने, देखते हैं चाय पी के अच्छी है कि नहीं है, चाय भी पी लेते हैं। ओए ओए एक कप चाय, आए हाय आए हाय, पियो दो दिमाग की बत्ती खुल जाए दिमाग की बत्ती जल जाए बल्कि। तो चाय तो अच्छी लग रही है शक्ल से, अब पी के देखता हूँ कैसी है। होटल से ही मंगवाई है, इन्हीं से ही। वाह है, डब्बे के दूध की लेकिन कड़क बनाई है, ज़बरदस्त, बोला था उसको मैंने कड़क बना के लाओ। अच्छा बालाकोट पहुँच चुके थे हम बहुत सारा एडवेंचर करने के बाद, और बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है, लेकिन यहाँ पे आके सारे नज़ारे देख के जो थकावट थी, जो एडवेंचर वाला माहौल था, उसकी सारी थकावट उतर चुकी है। अभी इंजॉय कर रहे हैं नज़ारे को, अब कल सुबह निकलेंगे, देखेंगे बारिश है या नहीं है, बारिश होगी तो फिर डिसाइड करेंगे कि नारायण जाना है या नहीं जाना, तो कल इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल आज हम जो है ना बालाकोट में स्टे करेंगे आज रात, और इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं। ये जो हमारी सीरीज़ है कराची टू नारान, उम्मीद है ये आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।